हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे फूड चैनल में फूड डेलिकेसी। हम आज एक बनाएंगे बहुत ही सिंपल रेसिपी, वो है बेसन वाली भिंडी। इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, तुरंत बन जाएगी। अब बस देखो, हमने लिया है भिंडी, फ्राइड रोस्टेड बेसन, अक्खा जीरा, पाउडर धनिया, प्याज, टमाटर और हल्दी, नमक और तेल ऑफ कोर्स चाहिए ही। मैंने इसमें चिली बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये मैं अपनी बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो हमने कढ़ाई गरम कर लिया और इसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा हाफ टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा रेड होने के लिए वेट करेंगे। देखिए ज़ीरा फूटना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने एक प्याज लिया है, उसे लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस में काटा है। इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे या ब्राउन नहीं करेंगे, इसे बस हाफ कुक करेंगे। ये देखिए प्याज हमारा अभी रेडी है, बस इतना परफेक्ट है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी को मैंने 2 पार्ट्स में काटा है और ईच पार्ट को मैंने फिर 2 स्लाइसेस लगाए हैं ताकि मसाला अंदर अच्छे से जा सके भिंडी के। इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि भिंडी पकती भी रहे और भिंडी फ्राई भी होती रहे और अंदर तक नमक भी चल जाएगा, जब तक कि हम लोग क्योंकि लास्ट कुकिंग हो रही होगी, नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगी पूरी भिंडी में। इसे मिक्स करके थोड़ी देर कवर चढ़ाएंगे हम। हल्दी भी डाल देते हैं। हल्दी डाल के ये हमने कर लिया मिक्स अच्छी तरह से और इसे लिड लगा के 2 मिनट्स वेट करेंगे। बस 2 मिनट्स के बाद लिड हटा के देखें तो भिंडी हाफ कुक्ड है। तो अभी हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। प्याज देखिए हमारी हल्की हल्की फ्राई हो गई है। ये डाल दिया हमने डी सीड किए हुए टमाटर, मिक्स करेंगे। और फिर थोड़ी सी धनिया, जिससे स्वाद भी आ जाए और फूड ज़्यादा स्पाइसी भी ना बने, क्योंकि हम ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो इसे बहुत सिंपल रखेंगे। और इसे हम ढक ढक कर पका रहे हैं, फ्राई नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ताकि फूड की जो विटामिन्स है वो फूड में ही रहे, वो वेस्ट आउट ना हो जाए। ये हमने सब चीज़ें मिक्स करके इसे वापस लिड लगा दिया। फिर 2 मिनट्स के बाद अनकवर करने के बाद देखें भिंडी ऑलमोस्ट 80% कुक्ड है। प्याज भी अच्छी फ्राई हो गई है साथ में, पर हमने भिंडी को ज़्यादा फ्राई होने नहीं दिया। अभी इसमें डालेंगे हल्की सी पानी, क्योंकि प्याज हमारी जल रही है, अभी उसे जलने देना नहीं है हमें। ये मिक्स करके फिर से एक बार लिड लगाएंगे। स्लो कुक है, थोड़ी टाइम लेके बनाओ। अगर फ्राई करना चाहोगे तो फ्राई भी कर सकते हो, पर चूंकि मैंने पहले ही बताया मैं हेल्दी बना रही हूँ तो इसे सिंपल और ऑलमोस्ट बॉइलिंग प्रोसेस पे बना रही हूँ। ये हमारी भिंडी बिल्कुल कुक्ड है कम्प्लीटली। अब ये टाइम है, हम इसमें मिक्स करेंगे बेसन, 1 टेबलस्पून बेसन, जिसको हमने पहले से ही हल्का तवे पे रोस्ट करके रखा था।
कि हमने मिला दिया बेसन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बेसन में गांठ जो है वो घुल जाए और अच्छे से भिंडी के साथ मिक्सअप हो जाए। हल्की सी पानी, ये पानी, और इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके कवर लगा देंगे। कवर लगाएंगे ताकि बेसन और अच्छे से भिंडी के साथ मिल जाए, स्वाद उसकी आ जाए भिंडी में। और अब आप इसको किसी के भी साथ खाइए, रोटी, पराठा, चावल, किसी के साथ भी। टिफ़िन के लिए बेस्ट आइटम है, ड्राई है, आप टिफ़िन में डाल के बच्चों को, हस्बैंड को, किसी को भी दे सकते हो। हेल्दी फूड है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ। ये सर्व करके और फिर इसे आप धनिया डालकर खाइए, बहुत स्वाद है। प्लीज़ ट्राई इट। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।